अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर गाइड। आई एम डॉक्टर बुरहान जाहिद, MBBS सेकंड ईयर, CMH खादी मेडिकल कॉलेज। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ MD कैट और NEMS की रोल नंबर स्लिप्स के हवाले से। इसके साथ साथ मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर बताऊँगा MD कैट के रजिस्ट्रेशन के हवाले से, जो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंटली पूछ रहे हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ लेके जाता हूँ कि स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं कि सर, हमने अपनी MD कैट की रजिस्ट्रेशन कर ली है, लेकिन अभी तक हमारा फीस का स्टेटस पेंडिंग आ रहा है, हमने फ़ी पे कर दी है। लेकिन इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फ़ी स्टेटस हमेशा 24 घंटे के बाद इसका आता है। 24 घंटे के बाद आपका खुद ही आपका वेरीफाई हो जाएगा और आपकी MD कैट की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद मैं आपको कुछ और क्वेश्चन के आंसर देता हूँ, पिक्चर के हवाले से हैं। इसके अंदर उन्होंने ये PMDC के ऑफिशियल क्वेश्चंस हैं कि आप पिछले साल की जो रजिस्ट्रेशन की हुई है वो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं आपको नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। POR कार्ड रजिस्ट्रेशन, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड इज़ एन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट फॉर, ये अफगान स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आपका ईमेल एड्रेस करेक्ट हो जाए तो उसको आप क्या करेंगे, वो आप ठीक कर सकते हैं लॉगिन पेज पर। अगर आप वेरीफिकेशन कोड नहीं कर रहे, आपको मिल रहा तो आप रीसेंड करें या न्यू वेरीफिकेशन कोड आपके पास आ जाएगा। बेफॉर्म नंबर क्या होता है वो आपको बता दिए। CNIC अगर आपका नहीं है तो आप फादर मदर का CNIC इंटर कर सकते हो, कहते हैं नहीं आप उनका CNIC इंटर नहीं कर सकते, अपना करना पड़ेगा, नहीं तो आपको बेफॉर्म नंबर इंटर करना पड़ेगा। अच्छा, वो कहते हैं फॉरगॉट पासवर्ड करना है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ फॉरगॉट पासवर्ड के पे क्लिक करना है। अच्छा, पिक्चर की बात करते हैं, पिक्चर का वो कहते हैं कि आप ब्लू बैकग्राउंड वाली पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इधर लिखा हुआ है कि अगर आपके पास वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर आप सिर्फ वही एक्सेप्टेबल होगी। लेकिन किसी जगह पे PMDC की तरफ से ब्लू बैकग्राउंड कहा जा रहा है, किसी जगह पे वाइट बैकग्राउंड कहा जा रहा है, तो अभी तक इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। आपकी दोनों उम्मीद यही है कि आपकी दोनों तरह की पिक्चर्स कंफर्म हो जाएंगी। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं कि MD कैट की रोल नंबर स्लिप्स के हवाले से, कि आपकी रोल नंबर स्लिप कब तक अवेलेबल होंगी। किसी भी टेस्ट की, हर साल MD कैट की जितनी भी दफ़ा रोल नंबर स्लिप्स आई हैं, वो तकरीबन 10 से 15 दिन पहले आपकी रोल नंबर स्लिप आपको इशू कर दी जाती हैं, जो कि आप अपने ऑनलाइन पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जैसे कि आपको 27 अगस्त का MD कैट की डेट दी गई है, तो आपके 15 से 17 अगस्त तक आपकी रोल नंबर स्लिप्स अवेलेबल हो जाएंगी। इसके साथ हम NEMS की रोल नंबर स्लिप्स की बात करते हैं कि NEMS की रोल नंबर स्लिप आपको कब मिलेंगे। NEMS की रोल नंबर स्लिप के हवाले से बात की जाए तो NEMS का टेस्ट, जैसा कि आपको 3 सितंबर की डेट दी गई है, तो उस हवाले से आपको एक हफ्ता पहले यानी 25 अगस्त तक आपको NEMS की रोल नंबर स्लिप विद सेंटर अलॉट आपको मिल जाएंगी। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।